ईट पेपर लीक कांड का एपिक सेंटर नालंदा है, वही नालंदा जो आज से करीब 21 साल पहले देश में हुए सीबीएसई मेडिकल परीक्षा के पेपर लीक का गढ़ बना था। नालंदा के रणजीत डॉन ने पेपर लीक कांड की बुनियाद रखी थी और अब 21 साल बाद नालंदा के संजीव मुखिया और उसकी शातिर टीम नीट पेपर लीक कांड में मुख्य आरोपी है। नालंदा का संजीव मुखिया पेपर लीक कांड का वो चैंपियन है जो एग्जाम सेंटर मैनेज करने से लेकर पेपर लीक करवाने और अभ्यर्थियों को पास कराने का पूरा खेल खेलता है। इस खेल में न सिर्फ संजीव मुखिया का डॉक्टर बेटा शिव कुमार शामिल है, बल्कि अब उसकी पत्नी ममता देवी पर भी शक की सुई घूमी है। तारीख 26 नवंबर 2003, रंजीत सिंह उर्फ रंजीत डॉन अरेस्ट। करीब 21 साल पहले पेपर लीक के नालंदा मॉड्यूल से पहली बार पर्दा हटा था। अब 21 साल बाद एक बार फिर नालंदा पेपर लीक का सेंटर पॉइंट बनकर उभरा है। नाम संजीव मुखिया, गुना नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड, पत्नी ममता देवी, काम सियासी सेटिंग, बेटा डॉक्टर शिव कुमार, गुना शिक्षक बहाली पेपर लीक केस में जेल। जो कहानी 21 साल पहले नालंदा से शुरू हुई थी, वही कहानी 2024 में एक बार फिर दोहराई गई। नालंदा के संजीव मुखिया ने नीट पेपर लीक कांड में सरगना की भूमिका निभाई, साथ दिया संजीव मुखिया के डॉक्टर बेटे शिव कुमार ने। पैरवी और सियासी सेटिंग में अब संजीव मुखिया की पत्नी ममता देवी की भूमिका संदिग्ध लग रही है। ऐसा माना जा रहा है कि संजीव मुखिया ने अपनी पत्नी के सियासी रसूख की बदौलत सिस्टम को नचाया। पहले संजीव मुखिया की पत्नी का परिचय जान लीजिए। नालंदा का नगरनौसा प्रखंड, भुतहा खार पंचायत का बलवा गांव, ममता देवी मुखिया चुनी गई। संजीव मुखिया के लिए यह बड़ी जीत थी। इसके बाद संजीव पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहता था। कुछ ही दिन बाद संजीव मुखिया की पत्नी जेडीयू में शामिल हो गई, पैसे की बदौलत जेडीयू में पैठ बनाने लगी। 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू से टिकट नहीं मिला तो तुरंत एलजेपी के टिकट से हरनौत विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा। हालांकि ममता देवी चुनाव नहीं जीत सकी। अब पेपर लीक कांड में पति संजीव मुखिया फरार है तो ममता देवी भी ओझल हो गई है। वहीं नीट पेपर लीक कांड में देवघर से जिन 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है वो सभी नालंदा के हैं। चिंटू कुमार उर्फ सिंटू, प्रशांत कुमार, पंकू कुमार, परमजीत सिंह, बालदेव सिंह और काजू कुमार नालंदा के हैं। गिरफ्तार आरोपियों में एक गार्ड है जो एम्स में कार्यरत है। गार्ड भी नालंदा का ही रहने वाला है, यानी पेपर लीक के नालंदा मॉड्यूल के पुख्ता सबूत मिल रहे हैं, जिस पर आरजेडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके सवाल पूछा है। किंगपिन और मुख्य सरगना नालंदा निवासी संजीव मुखिया को कौन बचा रहा है? क्या यह सच नहीं है कि संजीव मुखिया की पत्नी चुनाव लड़ चुकी है, जेडीयू की नेत्री रही है? क्या सीधे मुख्यमंत्री आवास तक इनकी पहुंच नहीं है? सवाल कांग्रेस भी पूछ रही है। सवाल है कि जब सुशासन की सरकार है तो गड़बड़ी क्यों हुई? जवाब डिप्टी सीएम ने दिया और कहा, अपराधी चाहे किसी भी दल से या किसी भी परिवार से हो, बचेगा नहीं। इसका जवाब तो आदरणीय नरेंद्र मोदी से पूछिए कि आप जो यहां 10 साल से सरकार में थे, यह नीट परीक्षा में जो कि पेपर लीक हो रहा था, 70 बार से ऊपर लीक हुआ है, क्यों नहीं आप कार्रवाई कर रहे थे? मंत्री नीतीश कुमार जी कानून का राज स्थापित करते हैं, न बचाते हैं न फंसाते हैं। कोई भी होगा वह बचेगा नहीं। अब पूरे केस की तफ्तीश सीबीआई कर रही है। अभी भी संजीव मुखिया फरार है, पत्नी ममता देवी का भी अता पता नहीं है। लेकिन सवाल है कि क्या नालंदा पेपर लीक का एपिक सेंटर था? नालंदा से ऋषिकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।